वेरी गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अड्डा 24/7। दिस इज मेंटर सौरभ सिंह। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं और आप सभी की प्रिपरेशन जबरदस्त चल रही है। एक बार फिर से मैं आपके सामने हूं और SBI क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए हम लोग यहां पर इकट्ठा हो रहे हैं। हर शाम आजकल हम लोग SBI को टारगेट लेके काम करना शुरू कर चुके हैं। टॉपिक हमारा पहला, टॉपिक वाइज जो काम करने का सिलसिला है वो टॉपिक पहला लेके शुरू कर चुके हैं। टॉपिक का नाम है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। इसका सेकंड लेक्चर है, मतलब पहले लेक्चर में हम लोगों ने बेसिक आइडिया डेवलप किया था। हम लोगों ने सीखा था कि आखिर इस अल्फा न्यूमेरिक टॉपिक, जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर है, इसमें कुछ जो अहम बिंदु हैं वो क्या हैं। और उसके बाद हमने कुछ डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज से आपको परिचय कराया कि किस किस तरह के सवाल इस चैप्टर से निकल के आते हैं प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में, और उसके लिए क्या क्या बेसिक आइडियाज़ हमें उस पर इम्प्लीमेंट करना है और किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। इस चीज़ को हमने कुछ सवाल के अंदर इम्प्लीमेंट करके देखा। आज उसी सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे, कुछ और सवाल आपके सामने होंगे और विल ट्राई टू प्रैक्टिस दोज क्वेश्चंस वन बाय वन। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आई होप मेरी आवाज अब तक प्रॉपर्ली पहुंच पा रही, सब कुछ ओके है। सो दिस इज द सेकेंड लेक्चर ऑफ दिस टॉपिक। ओके, हाँ सब बढ़िया है, ठीक है। किसी ने बहुत खूब कहा है कि एक ना एक दिन हासिल कर ही लूंगा मंजिल, ठोकरें जहर थोड़ी हैं जो खाकर मर जाऊंगा। ठोकर इसलिए वर्ड इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि मैंने इस वर्ड को यहां पे इस्तेमाल करने का जो सीधा सीधा मतलब है वो इस बात से है कि ये जो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बीते हैं, अब इस पूरे वर्ष में जब पूरे सारे के सारे 2022 के परीक्षाएं हो चुकी होंगी, उसमें सिर्फ 9 मंथ्स लेफ्ट हैं, बिकॉज मार्च भी समाप्त होने की कगार पे है। और इस 9 मंथ के नाइन्थ मंथ के ड्यूरेशन में सारे एग्जामिनेशंस जो मोटे मोटे बड़े बड़े एग्जामिनेशन हैं सारे होने वाले हैं। तो पिछले जो भी आपके नेगेटिव चीज़ें रही हैं, जो भी आपने कुछ गलतियां करी हैं, उनसे सीखने का वक्त है। अपने तरीके में बदलाव रखिए, बदलाव कीजिए। एक चैप्टर हम लॉजिकल रीजनिंग में डिस्कस करते हैं, उसका नाम है स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, जिसको हम लॉजिकल रीजनिंग के अंतर्गत पढ़ते हैं। और एजम्पशन जब हम डिस्कस करते हैं उसमें हम एक वर्ड जरूर लिखते हैं हमेशा कि एजम्पशंस डिपेंड्स अपॉन द पास्ट एक्सपीरियंस। दैट मींस इफ यू हैव द पास्ट एक्सपीरियंस यू विल बी वेरी मच क्लियर इन टेकिंग द एजम्पशंस। और हम जो भी कदम दुनिया में रखते हैं उसमें कहीं ना कहीं एजम्पशंस का रोल होता है, मतलब आपके पास्ट एक्सपीरियंस का रोल होता है। तो बस वही चीज़ें हैं कि आपको अपने पिछले एक्सपीरियंस से सीखना है, और जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो दूसरों के एक्सपीरियंस को ग्रैब करके आगे बढ़े। बस इतना ही बोलूंगा मैं। शुरुआत करता हूँ आज के सेशन का इन पूरे बातों के साथ। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनके लिए बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आपको हमारे पीछे एक बेहतरीन कुछ बेहतरीन लोगों की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी, एक दो लोग को छोड़कर एक लोग को छोड़कर सब बेहतरीन लोगों को दिख रहे हैं आप यहाँ पे, मतलब सबके सब बेहतरीन लोग हैं। और ये आपके टीचर्स हैं जो आपके साथ पूरे दिन हर वक्त इस YouTube चैनल पे कोई ना कोई इनमें से कोई ना इन सारे चेहरों में से कोई ना कोई चेहरा आपके सामने होता है। अगर एक हटता है दूसरा आपके सामने होता है, फिर वो दूसरा हटता है तीसरा आपके सामने होता है। इस तरीके से पूरे सुबह से लेकर रात तक लगातार ये लोग आपके साथ चल रहे होते हैं। ये हम लोग सब पहुँच रहे हैं लक्ष्मी नगर दिल्ली, और एक सेमिनार कंडक्ट करने की बात की गई है 3rd of April, दैट मीन्स कि संडे, कमिंग संडे। आज बुधवार है तो संडे को लक्ष्मीनगर दिल्ली में अपन एक सेमिनार कंडक्ट कर रहे हैं जिसमें स्टूडेंट्स के लिए ही है ऑफ कोर्स, और जो भी दिल्ली NCR के स्टूडेंट्स हैं उन सभी से मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर इफ़ यू वांट टू लिसन एंड इफ़ यू वांट टू मीट अस, या हम लोग मिलना चाहते हैं आप सभी से, तो हमारे इस ख्वाहिश को ज़रूर पूरा करें और फिल द रजिस्ट्रेशन लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एक रजिस्ट्रेशन लिंक रखा गया है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उसको ढूंढ के आप ज़रूर भर दीजिएगा। आने वाले वक्त में हम इस लक्ष्मीनगर ब्रांच, दैट मीन्स जो दिल्ली में है, इसके बाद हम लोग आने वाले वक्त में अलग अलग स्टेट में भी हम विजिट करने का प्लान कर रहे हैं। तो मतलब 6 दिन तो आपको पढ़ाएंगे ही, और संडे संडे जो है ये भी है, तो मतलब हमारे जीवन में छुट्टियां नहीं रही हैं। एनीवेज ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। अच्छा ये बताइए कौन से लोग हैं, एक बड़े स्तर पे कुछ लोग, एक बड़ा वर्ग जो है वो हैप्पी बर्थडे कर रहा है, तो ये एक बड़ा वर्ग कहाँ से आया भाई? अरे
क्या है कि हमने हम जो बर्थडे मनाते हैं अपना, वो एक साल में एक ही बार सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। हाँ चलो, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आफ्टर दिस आई होप वी पीपल आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। सो एक के बाद सवाल आते रहेंगे आपके स्क्रीन पे, और शुरू करते हैं। पहला सवाल आपके स्क्रीन पे होगा, ये रहा पहला सवाल। सवाल टाइमर, देयर इज नो टाइमर, ओके ठीक है। सो टुडे वी डोंट हैव टाइमर ऑन द इन द पीपीटी, सो हम समय ऑटोमेटिकली हम लोग चेंज करते रहेंगे, रिलैक्स। शुरू करते हैं, पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय एन वोवेल एंड फॉलोड बाय अ और सक्सीडेड बाय अ कंसोनेंट। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं यहां से। आक्रमण, योद्धाओं, आक्रमण कर लो जल्दी से। सवाल में कहा गया कि अभी सवाल जो हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एक लेटर सीरीज है। हमने कल ही आपसे कहा था कि हम लोगों ने कल हम लोगों ने सवाल किया था, आई थिंक वो डिजिट सीरीज था ना। हाँ डिजिट सीरीज था, हमने कहा था आपको डिजिट सीरीज और लेटर सीरीज इन दोनों के सवाल जो होते हैं खासा कॉन्सेंट्रेशन का डिमांड करते हैं, क्योंकि सबके चेहरे एक जैसे। वेन एवर वी यूज टू फाइंड द सीरीज इन विच देर आर वेरियस टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स लाइक अल्फाबेट्स भी है, सिंबल्स भी हैं और डिजिट्स भी हैं, तो वहां पे आइडेंटिफाई करना इजी है। लेकिन एक ही जैसे यहाँ पे सिर्फ लेटर है तो आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा कठिन होता है। तो आई विल रिक्वेस्ट एवरीवन टू नो कीप अमेजिंग कॉन्सेंट्रेशन हियर। हाउ मेनी लेटर्स आर देयर प्रीसीडेड बाय वोवेल फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट, मतलब लेटर का मतलब क्या हो जाएगा ये समझना है यहाँ पर। लेटर का मतलब क्या है, कॉन्सोनेंट या वोवेल कुछ भी हो सकता है, लेटर ये भी तो लेटर ही है, ये भी लेटर है, लेकिन लेटर का मतलब क्या है, अल्फाबेट बोल दीजिए आप उस लेटर को, लेटर मतलब अल्फाबेट ही होगा ना ऑफकोर्स। तो अब मसला क्या है, इसके दो चेहरे बनेंगे, इसमें संभावनाएं बना सकते हैं आप इसमें, बिकॉज लेटर जो है ये एक वोवेल की तरह भी ट्रीट हो सकता है और एक कॉन्सोनेंट की तरह भी। तो ये तो कन्फर्म ऐसा हो सकता है, या तो हमारे पास वोवेल कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट। ये बात कितने लोगों को समझ में आई है, जल्दी से। इस लेटर को हम लोग वोवेल भी कह सकते हैं, इसी लेटर को हम कॉन्सोनेंट भी कह सकते हैं। दैट मींस हमारे पास अगर ये एक बार वोवेल की तरह ट्रीट हुआ तो वोवेल वोवेल कॉन्सोनेंट, और या फिर अगर कॉन्सोनेंट की तरह ट्रीट करेंगे इसको हम लोग, तो भी हमारे पास कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट वोवेल ऐसे हो जाएगा। सो एक तो इस दो तरीके से हम इस सवाल को ढूंढ रहे होंगे इस तरीके से, ठीक है, समझ में आ गया था नहीं बात। तो ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन का सवाल पूछा गया, पहला सवाल बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन का है। तो मैं कहूंगा आप टारगेट कैसे करें सवालों को, कि भाई वोवेल पे आक्रमण करो, वोवेल पे टारगेट करो, दो लगातार वोवेल मिलेगा तो कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे, और एक वोवेल मिलेगा तो दो लगातार कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे उसके बाद, मतलब दो लगातार वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, या फिर एक सिंगल वोवेल के बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट, लेकिन टारगेट हम इसको करेंगे वोवेल को ही करेंगे। चलो आओ देखते हैं, वोवेल दो लगातार वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट, दो लगातार वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट हमारे पास कहां पर है भाई, यहां पर पहला वोवेल है, दो लगातार वोवेल के बाद कॉन्सोनेंट मिल चुका अपने को। अगर दो लगातार वोवेल मिल चुके हैं और एक कॉन्सोनेंट मिल चुका है तो हम ये भी चेक कर लें क्या एक वोवेल के बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट है, क्या वो भी यहां पर मिल रहा है। दैट मींस टू हम लोग आराम से काउंट कर चुके हैं, वेरी इजिली वी हैव फाउंड दिस टू थिंग्स। नाउ एक वोवेल के बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट, दैट मींस तीन मिल चुका अपने को, दो लगातार वोवेल के बाद एक कॉन्सोनेंट, दैट मींस चार मिल चुका अपने को, फिर हमारे पास UTR को हम एक वोवेल के बाद दो लगातार कॉन्सोनेंट ढूंढ लेंगे। सो हमारे पास ऑप्शन को अगर देखा है, मोर देन थ्री अपने को यहां बताया जा रहा है, यहां पर हमारे पास एक दो तीन चार मिल चुके हैं, दैट मींस कि मोर देन थ्री वाला ऑप्शन मार्क कर लेंगे, पांचवा ऑप्शन मार्क कर लेंगे, और भी मिल रहा है अपने को आगे, लेकिन ढूंढने की आवश्यकता नहीं, बिकॉज मोर देन थ्री में ऑप्शन दिया हुआ है, तो उसको मार्क करके निकल सकते हैं। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो द थिंग विच मैटर्स इज कि अगर लेटर बोला गया तो आपके जहन में ये दोनों बातें आई कि नहीं आई, बस उसके बाद तो सब कर लेगा, ठीक है। चलो सवाल नंबर दूसरा आपके स्क्रीन पे ये रहा, और मैं बार बार टाइमर के लिए आगे बढ़ रहा हूं लेकिन टाइमर है नहीं, सो ट्राई आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन नाउ। ठीक है ओके, सवाल में कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज नाइन्थ फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ यू। सो सबसे पहले तो यू को ढूंढो, कहां है बेटा यू, तुम यू यहां पे हो, इसके नाइन्थ लेफ्ट में क्या होगा, सिंपल एकदम, इससे बउआ सवाल कुछ हो सकता है क्या, इससे बउआ सवाल हो ही नहीं सकता कुछ,
यू के बाएं नोवा ढूंढो, बच्चा भी ढूंढ लेगा भाई। तो अपने को बच्चे से थोड़ा स्मार्ट वर्क में करना है काम। तो हमारे पास ये पांच हो गया और पांच और नौ, दैट मींस ई हमें मिलना चाहिए। ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज नाइन टू द लेफ्ट ऑफ यू बोला गया था। हम डायरेक्टली बंडल बनाएंगे और काउंट करेंगे, पांच चार नौ ऐसे काउंट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर आपका थर्ड आपके स्क्रीन पे है। सो आई हैव जस्ट मिस्ड टाइमर इन टुडेज पीपीटी। चले, सवाल में कहा गया इफ ऑल द वॉवल्स आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर इज 11th फ्रॉम द राइट, राइट हैंड साइड से 11th लेटर क्या होगा अगर हम वॉवल को एलिमिनेट कर लें। तो हम ऐसे करेंगे, पांच ऐसे लिखा हमने, पांच में दो वॉवल हटा दिए, तीन काउंट कर लिया, तीन में से हमारे पास यहां पर क्या हो जाएगा, तीन तीन छह हो जाएगा, छह और यहां पर क्या हो जाएगा, चिन्ह नौ हो जाएगा, नौ और यहां पर क्या हो जाएगा, नौ और दो ग्यारह, दैट मीन हमारे पास ये एक्स, एक्स हमारे पास ऑप्शन नंबर थ्री में है, काउंट कर लिया हम लोगों ने। आप समझे अभी जैसे इस सवाल को अगर देखा जाए तो ये सवाल इतना भी आसान नहीं है। आप जाके पूछिए ना नॉर्मल बच्चों से, जो नॉर्मल बच्चे मतलब कि आप एबनॉर्मल नहीं है मतलब आप प्रो लेवल हैं, मतलब ये बोलना चाह रहा हूं यहां पे कि आप जो नॉर्मली सॉल्व करते हैं या फिर नॉर्मली सोचते हैं, जिनका थॉट प्रोसेस अभी उस लेवल पे नहीं पहुंचा है, उनसे पूछिए ना जाके। वो बोलेंगे क्या बोला, अगर सारे सारे वॉवल को एलिमिनेट कर दें तो बताओ सीरीज में राइट साइड से 11th क्या होगा। अच्छा ठीक है, तो देख लेते हैं इधर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह, एक्स आंसर होगा। ये ऐसे रिएक्शन आएगा, लेकिन आप क्या करेंगे, पाँच ठीक है, तीन इसमें, इसमें तीन तीन छः और छः और तीन नौ दो ग्यारह, ठीक है खत्म, ठीक है ठीक है। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो देखो मतलब एटीट्यूड ये वाला होना चाहिए, बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ मतलब ये वाला एटीट्यूड चाहिए अपने को। मतलब आपको बेस्ट निकल के आना, अपना बेस्ट होना है, मतलब आप जो अब तक थे उसमें से भी बेस्ट निकल के आना। और लास्ट में मैं पूछूंगा आज की जो जितनी जितने भी सवाल हम करेंगे आज के सेशन में, लास्ट में आपसे स्कोर पूछूंगा। और जिस तरह से मैं ईमानदार रहता हूं आपके साथ, आपसे आपको भी ईमानदारी से यहां पर आंसर करना है कि क्या करेक्ट आपका वैल्यू रहा लास्ट में, ठीक है। सवाल नंबर फोर्थ आपके स्क्रीन पर ये रहा, और ट्राई आउट टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। चले, हाउ मेनी लेटर्स आर देयर इन द सीरीज विच आर इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय अ वॉवल, दैट मींस कि ऐसे कितने लेटर हैं जिसके पहले वॉवल है और जिसके बाद लेटर है। लेकिन बहुत अच्छा सवाल, बहुत 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 उम्दा सवाल, द सवाल इज उम्दा जस्ट बिकॉज वी हैव कंडीशन इन दिस सेकेंड पार्ट, एंड इमीडिएटली सक्सीडेड, सक्सीडेड मतलब क्या होता है, फॉलोड By the letter which comes before K in the English alphabetical series, मतलब K से पहले वाले, K मतलब K 11 होता है ना, उससे पहले मतलब J होगा, मतलब ऐसा letter यहां पर चाहिए। ये जो letter आपको दिखाई दिया कि letter से पहले vowel, लेकिन इस letter के बाद जो letter चाहिए वो K से कम का value वाला होना चाहिए, मतलब K के पहले वाला, मतलब J I H A B C D E ऐसे करके जो भी होता है वो सब यहां पर रहेगा चलेगा। लेकिन हम सवाल में फिर भी किसको cater करने वाले हैं, हम लोग कह रहे cater ऐसे करने वाले हैं, भाई vowel है यहां पर, तो vowel यहां पर हमारे पास consonant हो जाएगा, एक बार हम यहां पर vowel भी ले सकते हैं, तो हम vowel को ही टारगेट करने वाले, टारगेट इसको करने वाले हैं। vowel के बाद अगर vowel मिले, consonant मिले, कुछ भी चलेगा, लेकिन इसके बाद जो मिलने वाला, इसके बाद हम नोटिस इसको करने वाले हैं, बिकॉज वॉवल के बाद तो कुछ भी लेटर चलने वाला है, एक वॉवल पकड़ो उसके बाद कोई भी लेटर चलेगा, लेकिन इसके बाद हमारा कॉन्सेंट्रेशन, दैट मीन आफ्टर दिस पर्टिकुलर वॉवल यू विल जस्ट टारगेट द सीरीज एंड यू विल आइडेंटिफाई द वॉवल, उसके बाद तीसरा लेटर देखो वहां पर क्या वो के से कम वाला है क्या, तो बीच में तो लेटर ही होगा ना भाई, बिकॉज लेटर सीरीज है, ऐसे सोचने का सवाल को, दैट मीन सवाल को अपने हिसाब से अपने सांचे में ढालो, अपने दिमाग के सांचे में ढालो उस तरीके से जिस तरीके से सवाल का रियल डिमांड हो। वॉवल हमारे पास कहां पर भाई, वॉवल हमारे पास यहां पर है, के बाद हमारे पास कोई लेटर है यहां पर एस नहीं चलेगा, पहला वॉवल ये था ना इधर से और कोई नहीं था, चलो ठीक है। वॉवल के बाद हमारे पास कोई लेटर है यहां पर पी है नहीं चलेगा, वॉवल के बाद हमारे पास कोई भी लेटर चलेगा टी नहीं चलेगा, वॉवल के बाद हमारे पास ये नहीं चलेगा, वॉवल के आगे है ही नहीं, दैट मींस नन इज द करेक्ट आंसर आई होप।
सो नन इज द करेक्ट आंसर, दैट मींस ऑप्शन नंबर वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. हम लोग कोई भी ऐसा लेटर नहीं है जिसके पहले वोवेल हो और जिसके बाद ऐसा लेटर हो जो कि के से पहले हो अल्फाबेटिकल सीरीज में, वैसा कुछ भी नहीं है. ठीक है ना. सो करेक्ट आंसर इज नन. क्वेश्चन नंबर फाइव आपके स्क्रीन पे है. यहां पर फिर से हमने डिजिट सीरीज रखा हुआ है. रिग्रेस प्रैक्टिस इज द रियल डिमांड. सो यू हैव द सीरीज विच इज हैविंग अगेन डिजिट सीरीज. आफ्टर दिस विल ट्राई टू मिक्स द क्वेश्चन. दैट मीन्स द क्वेश्चन विल बी कैरिंग लेटर्स एंड डिजिट्स एंड आफ्टर दैट विल ट्राई टू मिक्स द क्वेश्चन विद सिम्बल्स. तो ये सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन हम करने वाले हैं आज के सेशन में. सवाल नंबर पांच आपके स्क्रीन पे है. ट्राई आउट. सवाल नंबर पांच में कहा गया हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर विच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय इवन नंबर. दैट मींस कि ऑड नंबर के पहले और बाद दोनों में इवन नंबर चाहिए. इधर भी इवन नंबर चाहिए, ऐसा कुछ. इवन इधर भी चाहिए, इवन इधर भी चाहिए. ये दोनों चीज हमारे पास इधर है और बीच में ऑड नंबर है. एक काम करते हैं अपन, ऑड नंबर को ढूंढने की बजाय ऑल्टरनेट इवन नंबर ढूंढे क्या. ऑल्टरनेट इवन नंबर बीच में ऑड नंबर, ऑल्टरनेट इवन नंबर बीच में ऑड नंबर. मोर देन में पक्का ऑप्शन है नहीं है हमारे पास. सबसे मैक्सिमम ऑप्शन हमारे पास फाइव है क्योंकि हमारे पास शुरुआत में दो मिल चुके हैं. तो हमारे पास दो अल्टरनेट इवन नंबर ढूंढना है. अल्टरनेट इवन नंबर हमारे पास यहाँ पर नहीं है. दो अपने को मिल चुका बहुत जल्दी में ही. यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है. दो अल्टरनेट इवन नंबर एक ऑड नंबर, तीन मिल चुका है. दो अल्टरनेट इवन नंबर एक ऑड नंबर नहीं है. दो अल्टरनेट इवन नंबर नहीं है, दो अल्टरनेट इवन नंबर नहीं है. यहाँ पर हो गया है. सो वन टू थ्री फोर मिल चुका है अपने को. चलो अच्छी बात है, एक ढूंढते हैं जल्दी से अपन. एक हमारे पास और यहाँ पर है. दैट मीन फाइव इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ऐसा ही होता है, मतलब अगर मोर देन वाला ऑप्शन नहीं दिया हुआ है तो मैक्सिमम की तरफ आंसर में मतलब झुकाव हमारा होना चाहिए कि भाई मैक्सिमम पांच दिया तो पांच तक कम से कम ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए. और पांच हम देख चुके हैं यहाँ पर, पांच मिल चुका है. ठीक है, और वो भी लास्ट में ही जाके मिला है. दैट मीन उसके बाद है भी नहीं. नो डाउट कि सिक्स भी होगा, तो सिक्स अगर होगा तो नन ऑफ दिस मार्क करेंगे यहां पर. बिकॉज वी हैव द फिफ्थ ऑप्शन एज नन ऑफ दिस. और ये बड़ा ब्लंडर कराया जा सकता है आपसे, बहुत बड़ा ब्लंडर कराया जा सकता है. बिकॉज नन ऑफ दिस यहां पर है जो खेल सकता है आपके साथ. अगर छह यहां होता और पांच भी आप रुक गए तो एक माइनस 1.25 हो गया आपका. मतलब मासूम सवाल. देखो नंबर, अगर आप मासूम चैप्टर से नंबर ला रहे हो तो ये बहुत बड़ा कोई तोप नहीं चला रहे हो आप, बहुत बड़ा तोप नहीं चला रहे हो. लेकिन अगर मासूम चैप्टर से मासूम सवालों से नंबर गवा रहे हो तो मतलब समझ लो कि इट इज इक्वल टू काला पानी का सजा. मतलब सवा, मतलब एक सवाल का मिस्टेक मतलब कि आपका माइनस 1.25 हो चुका है. सवा नंबर पता है कितना बहुत बड़ा चीज होता है. 1.25 का नेगेटिव होना बहुत बड़ा चीज है. और एक सवाल गलत मतलब आप जोड़ते होंगे 0.25 और हम हमेशा कहते हैं कि माइनस 1.25 होता है वहां पर. ठीक है, सो आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर सिक्स आपके स्क्रीन पे है. ट्राई आउट टू आंसर दिस क्वेश्चन. जल्दी से पिक. काला पानी. अरे भावनाओं को समझो यार. तो मासूम चैप्टर्स में सही करना सीखने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गलती कैसे ना करें. वैसे दोनों ही दूसरे के पूरक ही हैं, लेकिन फिर भी सवाल में कहा गया व्हाट इज द सम ऑफ द नंबर्स विच आर 13th फ्रॉम द राइट एंड एंड द 16th फ्रॉम द लेफ्ट एंड. दैट मीन्स 13th राइट 16th लेफ्ट बंडल बनाना शुरू कर दो. चार चार आठ, चार बारह, चार सोलह, मतलब छः. राइट साइड से 13th का मतलब है पाँच पाँच दस और तीन तेरह. दैट मीन्स तीन छह तीन नौ. ऑप्शन नंबर टू इज द करेक्ट आंसर. कॉन्सेंट्रेशन हाई एंड यू विल गेट द आंसर. हाई कॉन्सेंट्रेशन इज नीडेड, दैट्स इट. लास्ट में स्कोर जरूर पूछूंगा आपसे कि आपने कितना सही किया था उचित समय में. आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर आपका सेवेंथ आपके स्क्रीन पे है. एक समय जरूर आप चला. अगर मेरे पास टाइमर मिसिंग है, ऐसा हो सकता है कई बार, मतलब कई बार तो नहीं लेकिन बहुत रेयर है कि मैं टाइमर मिस कर जाता हूं. लेकिन आपको ख्याल रखना कि तो आप खुद से टाइमर को लेकर चले दिमाग में कि यार मुझे 10 सेकंड या 15 सेकंड या 20 सेकंड के अंदर सवालों को सॉल्व करना है. उसके हिसाब से आप काउंट कीजिएगा अपने स्कोर. ये नहीं कि आप सवाल सॉल्व कर ले रहे हैं आधे घंटे में चौड़े में तो आप तो काउंट कर लेंगे, बिल्कुल नहीं.
चले. हाउ मेनी इवन नंबर्स आर देयर विच आर इवन नंबर्स आर देयर विच आर इमेटली फॉलोड बाई ए परफेक्ट स्क्वायर. इवन नंबर के बाद परफेक्ट स्क्वायर चाहिए. हम लोग करेंगे परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर की खोज. ये हमारा तरीका है, मतलब हम लोगों का तरीका है. हम लोग क्या, उसने बोला इवन नंबर के बाद बोलो परफेक्ट स्क्वायर है क्या. हमने कहा नहीं भाई, परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर है क्या. परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, हाँ परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, हाँ परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर नहीं, परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, हाँ मोर देन में आंसर है क्या, मोर देन फाइव में ऑप्शन है. इवन नंबर परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, हाँ भाई यहाँ पे फिर से हमारे पास नहीं, यहाँ नहीं है. परफेक्ट स्क्वायर से पहले वन टू थ्री फोर मिल चुका है. परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, परफेक्ट स्क्वायर से पहले इवन नंबर, चार तो छः मिल चुका है. मोर देन फाइव को मार्क करके निकल सकते हैं. ऑप्शन नंबर फाइव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. डायरेक्टली तुक्का मत मारना, हाईएस्ट वाला बता दिया हूँ इसलिए कि हाँ हाईएस्ट वाला आंसर हुआ करता है. मार दो तुक्का इसमें ऐसे. तुक्का इज इक्वल टू मुक्का फ्रॉम क्वेश्चन साइड. ठीक है, सवाल नंबर आठ आपके स्क्रीन पे है. ट्राई आउट. चले. Which among the following number is 9 to the left of 10th from the right end? That means direction is different. We need to find out. Right और यहाँ पर left है. Left right का मतलब direction different. That means addition करना पड़ेगा. और किसमें किसमें करना पड़ेगा? 10 और 9. That means 19. Count कहाँ से करेंगे? Right side से करेंगे. फटाफट दिमाग जो है ऐसे से काम करना चाहिए. मतलब दिमाग ऐसे काम करना चाहिए, मतलब reaction दिखाई दे. You did not to solve the question. सवालों को देखा तो आपने reaction दिखाई दे कि भैया right, left, 10, 9, 19, right, बस खत्म. फटाफट 19 काउंट करना राइट से. सीधा मुद्दे पे आ जाओ भाई. 5, 5, 10, 5, 15 और 4 यहां पर 19. दैट मीन्स 8. ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर आपका 9 आपके स्क्रीन पे है. अब यहां पर आपको थोड़ा श्रृंखला में बदलाव दिख रही है. सवाल नंबर 9 टू 13 में यहां पर अल्फाबेट्स भी हैं, लेटर्स भी हैं और आपके सॉरी मतलब डिजिट्स भी हैं और सिंबल्स भी हैं. तीनों वैरायटी ऑफ चीजें यहां पर नजर आ रही हैं आपको. नौवां सवाल आपके स्क्रीन पर. ट्राई कीजिए जल्दी से क्विक. अब इस भीड़ में से जब आपके सामने लेटर्स भी हैं, तीन अलग अलग वैरायटी के एलिमेंट्स नजर आते हैं तो उसमें से आइडेंटिफाई करना बड़ा इजी हो जाता है. सो लेट्स फाइंड आउट द रियल डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. प्राइमरली सवाल का रियल डिमांड क्या है. हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर ईच ऑफ विच इज इमीडिएटली फॉलोड बाई नंबर एंड ऑल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाई ए कॉन्सोनेंट. दैट मीन सिंबल के बाद नंबर, सिंबल के बाद कॉन्सोनेंट, सिंबल के पहले कॉन्सोनेंट. हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग भी टारगेट करेंगे सिंबल को ही, लेकिन सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे इस चीज को कि सिंबल के बाद नंबर है क्या. और सिंबल के बाद अगर नंबर मिलता है तो सिंबल से पहले हम लोग क्या ढूंढेंगे, कॉन्सोनेंट ढूंढेंगे. सिंबल के बाद नंबर है तो कॉन्सोनेंट है, हाँ है. सिंबल के बाद नंबर ही नहीं हटाओ, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं हटाओ, सिंबल के बाद नंबर है, कॉन्सोनेंट भी है, सिंबल के बाद नंबर ही नहीं है, बात खत्म है. टू इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर थ्री इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. दैट मीन्स टू जो है वो सही उत्तर है इस सवाल का. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. सवाल नंबर आपका 10 आपके स्क्रीन पे है और आप लैंग्वेज में देखिए अभी कोई बदलाव नजर नहीं आएगा, लेकिन आगे कुछ सवाल ऐसे होंगे जिसमें बदलाव नजर आएगा लैंग्वेज में आपको, इसलिए मैंने कहा था कुछ बातें. सो हम लोग कंक्लूड भी करेंगे जो हमने कल बेसिक आइडिया पर दिया था कि देखो देयर आर सिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस वी यूज्ड टू फाइंड आउट ऑफ दिस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर इन द प्रीलिम्स एग्जामिनेशन. अर्थात अब इसी बात को हिंदी में कर लेते हैं कि हमारे इस अल्फा न्यूमेरिक सीरीज चैप्टर से छह तरह के सवाल होते हैं जो हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं. उस छह में से चार एक होता ना एक गांव के हैं कह सकते हैं आप, जिनका लैंग्वेज क्वेश्चन का पूछने का तरीका एक तरह का होता है और दो एक तरीके का होता है. तो अभी हम लोग पहले वाले वैरायटी में काम कर रहे हैं. इफ वी रिमूव ऑल द वोवेल्स फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 11th फ्रॉम द राइट एंड. वोवेल्स को हम हटा रहे हैं सिर्फ, वैसे ही फिर से करेंगे. पांच है तो चार बोल देंगे, यहां पांच है तो पांच ही काउंट करेंगे बिकॉज कोई वोवेल नहीं है. तो पांच चार नौ हो गया, 11 काउंट करना है तो 7 आना चाहिए यहां पर. ऑप्शन नंबर हमारे पास 5 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 5 इज द करेक्ट आंसर बिकॉज हमें क्या मिलने वाला है, 7 मिलने वाला है और यहां पे हमारे पास 7 ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, तो ऑप्शन नंबर 5 मार्क करेंगे. नन ऑफ दिस एंड यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट एनफ टू मार्क दिस ऑप्शन नंबर 5 दैट इज नन ऑफ दिस एज द आंसर. आपको इस नन ऑफ दिस को मार्क करने के लिए बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहना चाहिए. अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो गड़बड़ है फिर. सवाल नंबर 11 आपके स्क्रीन पे ये रहा. ट्राई आउट.
ठीक है। चले, हाउ मेनी सच वॉवल्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट, ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कंसोनेंट, दैट मींस वॉवल के बाद अपने को कंसोनेंट चाहिए और फॉलोड बाय एंड आल्सो इमीडिएटली प्रीसीडेड बाय सिंबल, दैट मींस वॉवल से पहले क्या चाहिए, सिंबल चाहिए। मतलब सिंबल के बाद वॉवल मिलेगा तो हम चेक करेंगे क्या कंसोनेंट। उन्होंने कहा है वॉवल के पहले देखो कौन सिंबल और वॉवल के बाद कंसोनेंट है क्या, लेकिन हम लोग सवाल को अपने हिसाब से ट्राई करते हैं, अपने हिसाब से सवाल को करते हैं तो तैयार करते हैं। इसने बोला कि सिंबल के बाद, इसने बोला वॉवल के पहले सिंबल और वॉवल के बाद कंसोनेंट, हमने कहा सिंबल के बाद वॉवल ढूंढते हैं, सिंबल के बाद वॉवल मिलेंगे तो काम करेंगे। सिंबल के बाद वॉवल है क्या, नहीं। सिंबल के बाद वॉवल है क्या, नहीं। सिंबल के बाद वॉवल ही नहीं है, सिंबल के बाद वॉवल है, और अगर सिंबल के बाद वॉवल है और उसके बाद कंसोनेंट है तो हम काउंट कर लेंगे इसको, दैट मींस करेक्ट आंसर विल बी 1 एंड दैट इज गिवन इन ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सवाल का सही उत्तर जो है वो आपका दूसरा ऑप्शन है जिसमें लिखा गया है 1, ठीक है ना। सवाल नंबर 12 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट। टेंथ में क्या हुआ है, टेंथ वाले क्वेश्चन में, अच्छा एक मिनट रुक जाओ, मैं टेंथ वाला देख लेता हूँ। इफ यू रिमूव, अच्छा सॉरी, हम लोगों ने लेटर पे ध्यान नहीं दिया, यहाँ पे लेटर है, एलिमेंट नहीं है। इफ वी रिमूव ऑल द वॉवल्स फ्रॉम द सीरीज देन विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर विल बी 11th फ्रॉम राइट। ओके, लेटर पूछा गया तो हमें ऑफकोर्स लेटर पे ही फोकस करना पड़ेगा, सॉरी फॉर दैट, आई थॉट दिस इज एलिमेंट। ठीक है, लेटर पूछा गया तो हमें लेटर ही काउंट करना पड़ेगा ऑफकोर्स। वॉवल को हटाने के बाद हम लेटर काउंट करेंगे तो हम बंडल नहीं बना पाएंगे फिर ये बंडल बनाने वाला काम, बिकॉज हमें बहुत बारीकी में जाना पड़ेगा, सॉरी फ्रॉम माई साइड। सही टाइम में मैंने कॉमेंट देख लिया। सो अगर देखो इसमें होता है, मतलब इसमें लेटर बोला गया है तो हमें सिर्फ लेटर को ही काउंट करना है और वॉवल को हटा के, मतलब इन द सेंस डायरेक्टली आप कह सकते हैं कॉन्सनेंट काउंट करना है, ठीक है ना। हमें सिर्फ कॉन्सनेंट काउंट करना है, राइट साइड से 11th कॉन्सनेंट क्या है, बस यही ना। ठीक है, काउंट करते हैं। सो 1 and 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10, 11, दैट मीन्स की आर इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू गॉट द आइडिया। सो द पॉइंट इज कि अगर एलिमेंट होता तो हम लोग ऑफकोर्स बंडल बना पाते, लेकिन अगर यहाँ पर लेटर पूछा गया तो हमें बहुत ही क्लोजली, मतलब बारीकी से, बिकॉज हम इसमें अगर 5 में से इग्नोर करना चाहेंगे तो बहुत कुछ इग्नोर करना पड़ेगा, फिर कैसे 5 में से एक आध चीज इग्नोर करना पड़ रहा है, 2 चीज इग्नोर करना पड़ रहा है, फिर तो कॉन्सेंट्रेशन आ ही रहेगा। लेकिन अगर हमें लेटर्स को काउंट करना है, सिर्फ लेटर ही फाइंड करना है, तो हमें इंडिविजुअली चलना पड़ेगा फिर। ठीक है, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर आपका 11 डन हो चुका है, सवाल नंबर 12 पे आ चुका है, जल्दी से क्विक। चले, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज 3rd राइट 12th लेफ्ट। हमने सिर्फ टू द पॉइंट बात किया यहां पर, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट बोला गया, 12, 3 राइट लेफ्ट डायरेक्शंस आपका रहेगा, ऐड करने वाला काम रहेगा, बिकॉज डायरेक्शन यहां पर डिफरेंट है तो ऐड करेंगे, 12 और 3, 15 होगा। काउंटिंग कहां से करेंगे, सेकंड डायरेक्शन की तरफ से, दैट मींस कि लेफ्ट डायरेक्शन, यहां 15 काउंट करना है, 5, 5, 10 और ये 5, 15। एम इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। हाई कॉन्सेंट्रेशन नीडेड और कुछ नहीं चाहिए यहां पर, कॉन्सेंट्रेशन हाई चाहिए बस। तो अपने प्रैक्टिस में एक बात सुमार कर लीजिएगा कि जब आप इस चैप्टर को प्रैक्टिस करें, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को प्रैक्टिस करें प्रीलिम्स के लिए, अपने अपकमिंग जो दो एग्जामिनेशंस एटलीस्ट मैं कहूंगा जो भी आपके सामने होने वाले हैं, उनमें से एक आपका SBI क्लर्क होने वाला है, एक FCI भी अपकमिंग नोटिफिकेशन है, और फिर RRB क्लर्क है। ये सारे क्लर्क एग्जामिनेशन है, उस पर RRB PU भी है, तो भी PU के लेवल पे तो है, लेकिन उसमें भी अपने को दिख जाता है सब टॉपिक। तो मतलब अपकमिंग जो भी 3-4 एग्जामिनेशन, उसमें इस तरह के अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या फिर जो मिसलेनियस चैप्टर, इसका बड़ा बोलबाला रहने वाला है। तो यू मस्ट प्रैक्टिस विथ टाइमर, जब भी आप लेके बैठे तो 5 सवाल लेके बैठे और 1 मिनट का टाइमर लगा के, 1.25 मिनट का टाइमर लगा के, 1.5 मिनट का टाइमर लगा के सवाल करें सवालों को, ठीक है ना। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 13 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई कीजिए जल्दी से। सेकेंड चैप्टर सर आप ऑर्डर रैंकिंग करा दीजिएगा। चलो ठीक है, अच्छा हुआ सजेशन दे दिया आपने, नेक्स्ट टॉपिक हमारा ऑर्डर रैंकिंग रहेगा, क्योंकि हमारा यहाँ पर पढ़ाया हुआ चीज़ अगर आपके काम ना आए तो फिर किस काम का।
सो नेक्स्ट टॉपिक विल बी ऑर्डर एंड रैंकिंग. वोट फॉर ऑर्डर रैंकिंग हियर. हाउ मेनी ऑफ यू वॉन्ट ऑर्डर रैंकिंग हियर? आई एम रेडी टू डू. इफ वी रिमूव ऑल द वॉवल्स एंड सिम्बल्स फ्रॉम द सीरीज देन विच एलिमेंट विल बी सेवेंथ फ्रॉम द लेफ्ट एंड? ठीक है, अगर हम वॉवल्स को और सिम्बल्स को भी मतलब हटा देते हैं, वॉवल को भी हटा रहे हैं सिम्बल, तो हम काउंट किसको करेंगे भाई? कॉन्सोनेंट को और नंबर को. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, दैट मीन्स 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ऑप्शन भी 4 और आपका उसके अंदर जो आंसर है वो भी 4 होगा. ठीक है, सो ऑर्डर रैंकिंग के लिए यहां पर वोटिंग चल रही है. देखो पढ़ना तो सब कुछ ही है यार, तो पढ़ लेंगे ऑर्डर रैंकिंग, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ओके. सवाल नंबर 14 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से. 14 टू 18 आपका नया सेट ऑफ क्वेश्चन है. इसमें हमारे पास श्रृंखला चेंज हो चुकी है, फिर से हमारे पास अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज है. सो ट्राई आउट टू सॉल्व द क्वेश्चन. सवाल नंबर 14 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज फिफ्थ टू द लेफ्ट ऑफ 15th एलिमेंट फ्रॉम राइट एंड? दैट मीन्स की 15 5 डायरेक्शन डिफरेंट, 20 काउंट करना है राइट साइड से, 20वां एलिमेंट क्या होगा? 5 5 का चौथा बंडल देख लीजिए क्या होने वाला है, बात खत्म है. ठीक है, सो बस करना क्या है, देखो कितना सेकंड इस सेंटेंस को फेच करने में कितना सेकंड लगना चाहिए, तो मुझे लगता है 3 से 4 सेकंड. पढ़ा ऐसे टू द पॉइंट, 5वां लेफ्ट 15वां राइट. ठीक है, लेफ्ट राइट बोला, डायरेक्शन आपका डिफरेंट है, तो 15 5 20 सेकंड डायरेक्शन राइट है, तो काउंटिंग शुरू कर दिया. 5 5 10 5 15 5 20, सी इज द करेक्ट आंसर. दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, बात खत्म. सी इज द करेक्ट आंसर और सी में सी ही आपके पास पड़ा हुआ है, बात खत्म. ठीक है, काउंटिंग बिल्कुल सही किया हम लोगों ने, कुछ गड़बड़ तो नहीं किया? नो, कोई गड़बड़ नहीं किया. सवाल नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट. मुझे लगता है कि आपके आप में से जो भी बच्चे यहाँ पर लाइव देख रहे हैं फिलहाल, उनमें से एक काम और करना चाहिए आपको, वो है आपके सेशन को लाइक करना और थोड़ा सा शेयर करना. लाइक करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मतलब मैं लाइक शेयर के लिए जल्दी नहीं बोलता हूँ, लेकिन कभी कभी बोलना पड़ता है, क्योंकि आप में उत्साह और आपकी जो कंपटीशन है वो यहाँ पर जो तय होती है, वो आपके इस तरीके से होती है कि आप खुद भी चेक करते रह सकते हैं कि आपकी इस रफ्तार क्या है. सवाल सबके सामने एक साथ आता है स्क्रीन पे, उसमें से कौन पहले आंसर करता है, आप उस पहले वाले में हैं या नहीं है, और जितनी क्राउड उसमें कॉम्पिटिशन उतना बेहतरीन चेक होता है. ठीक है, सो इफ ऑल द अल्फाबेट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सीरीज विच इज सेवेंथ फ्रॉम लेफ्ट, अगर हम अल्फाबेट को ही रिमूव कर दें तो बताओ सेवेंथ क्या होगा? तो हमने भाई अल्फाबेट को रिमूव करना मतलब 3 और 2 5 6 7, दैट मींस एरो होगा. ऑप्शन नंबर आपका बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप यू गॉट द आइडिया. सवाल नंबर 16 आपके स्क्रीन पे है, क्विकली कीजिए वो इस सवाल को. एट एट किसने कहा भाई? सवाल में कहा गया, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर, हाउ मेनी कॉन्सोनेंट्स आर देयर इन द अबव अरेंजमेंट ईच ऑफ व्हिच इज इमीडिएटली फॉलोड बाय कॉन्सोनेंट एंड प्रीसीडेड बाय सिंबल. दैट मींस कॉन्सोनेंट के बाद कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट से पहले सिंबल, हम लोग क्या करने वाले? सिंबल के बाद लगातार दो कॉन्सोनेंट है क्या? सिंबल के बाद लगातार दो कॉन्सोनेंट है तो ठीक है, सिंबल के बाद लगातार दो कॉन्सोनेंट है चलो चलेगा, सिंबल के बाद नहीं है, सिंबल के बाद नहीं है, यहाँ पर सिंबल के बाद नहीं है, सिंबल के बाद लगातार दो कॉन्सोनेंट नहीं है. दैट मींस वन इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, दैट्स इट. ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. द कॉन्सेंट्रेशन का रिक्वायरमेंट और कुछ भी नहीं चाहिए यहाँ पर, एक ही चीज की आवश्यकता है, एक चीज की दरकार है, वो है कॉन्सेंट्रेशन, काउंटिंग करना है और कुछ नहीं करना इस चैप्टर में यार. सवाल नंबर 17 आपके स्क्रीन पे है, टाइमर, सॉरी टाइमर तो है नहीं, जल्दी से कीजिए प्लीज. अठारह सवाल के बाद एक बार स्कोर को एक बार देखा जाएगा कि स्कोर क्या रहा अब तक. सो आपके स्कोर कुछ इस प्रकार ऐसे करके. इफ ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर ड्रॉप्ड फ्रॉम द गिवन सीरीज विच विल बी द 11th फ्रॉम लेफ्ट, 11th लेफ्ट से क्या होगा? कॉन्सोनेंट को अगर ड्रॉप करते हैं तो हमें कॉन्सोनेंट्स को ड्रॉप करना है. कॉन्सोनेंट दैट मीन्स की बबल को काउंट करना है, नंबर को काउंट करना है, सिम्बल्स को काउंट करना है. तो 3 यहाँ पर 3 के 3 कॉन्सोनेंट ही हैं,
तीन हो गया और 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये रहा आपका 11। लेफ्ट साइड से 11 आपका यू होने वाला है, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। कॉन्सेंट्रेशन थोड़ा सा अच्छा चाहिए था यहाँ पर, बिकॉज बहुत दूर के बाद जाके मिला आपको। सवाल नंबर 18 आपके स्क्रीन पे है, जल्दी से कोशिश कीजिए प्लीज। एक सवाल है जो बहुत सारे बच्चों की तरफ से आ रहा है कि सर मतलब नन ऑफ दीज और नन में क्या डिफरेंस होता है। नन का मतलब होता है जीरो, जैसे कि वन होता है ना एक। इस वन यहां पे इसको अगर दिखाया तो इसको वन ऐसे लिखा आ सकता है, इसके लिए हम थ्री बोल सकते हैं ना, यहां फोर बोल सकते हैं ना अपन, इस तरह से यहां पर हम नन बोल सकते हैं। इस जीरो को अपन नन बोल सकते हैं, जीरो जेड ई आर ओ भी बोल सकते हैं और नन भी बोल सकते हैं। तो नन, वन, थ्री, फोर ऐसे और नन ऑफ दिस, तो ये नन का मतलब समझ आ गया वो जीरो होता है। दिस इज द बेस्ट, मतलब ये अच्छा सिचुएशन दिखाई दिया जहां पे हम नन और नन और नन ऑफ दिस का डिफरेंस बता सके आपको। आई होप यू गॉट द आइडिया। सवाल में कहा गया हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर, दैट मीन दे हैव सेट टू टारगेट वॉवल्स, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर इन द सीरीज व्हिच आर इमीडिएटली फॉलोड बाय सिंबल, दैट मीन बाद में सिंबल होना चाहिए और प्रीसेडेड बाय अल्फाबेट, ऐसा कुछ। वॉवल से पहले अल्फाबेट, वॉवल के बाद सिंबल, हम लोग कहेंगे सिंबल के पहले वॉवल और वॉवल मिल जाएगा तो उसके पहले कोई भी अल्फाबेट चलेगा। तो सिंबल से पहले वॉवल ढूंढते हैं सबसे पहले, तो सिंबल के पहले वॉवल नहीं है, 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 मतलब कहीं नहीं है। दैट मीन नन इज द करेक्ट आंसर, दैट मीन ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ रहे हैं, मतलब ये अप्रोच होता है। तो आई थिंक अभी तक के जो 18 सवाल हैं इनमें से आपको स्कोर तो मालूम चला ही होगा अपना कि आपने कहाँ तक कितना स्कोर किया है। एक बार बिकॉज इसके बाद जो सवाल का चेहरा होगा थोड़ा चेंज हो जाएगा, सवाल थोड़ा डिफरेंट वे में प्रेजेंट करेंगे। अब तक हम लोगों ने वो चार वैरायटी ऑफ सवाल कर लिया है, वो चार वैरायटी कौन से, एक आपका है जिसमें सिर्फ हमने लेटर सीरीज की बात करी, एक हमारे पास सिर्फ डिजिट सीरीज की बात करी, हमने कल के सेशन में डिजिट सीरीज पे काम किया था और अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पे काम किया था। पांच सवाल आपको होमवर्क भी दिया था मैंने, और तो इन दोनों सवाल के अलावा हमारे पास आज हमने काम किया है लेटर सीरीज पे और अल्फा न्यूमेरिक सिंबल सीरीज पे, दैट मींस कि वो चार टाइप के सवाल समाप्त हो चुके हैं। अब हमारा जो काम होगा वो बहुत बेहतरीन लेवल पे काम होगा। किस चीज पे, तुम्हारे पास जो हमने बताया था न्यूमेरिक सीरीज, मतलब जहां पे तीन तीन डिजिट के नंबर्स बना दिए जाते हैं और उस तरह के पांच नंबर प्लेस किए जाते हैं सामने, पांच या छह, कई बार पांच कई बार छह, उस तरीके से फिर वर्ड सीरीज पे काम करना शुरू करेंगे हम लोग। तुम्हारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो यही है ना, अपने आप से ईमानदार रहिएगा और कुछ नहीं। यहाँ पर आप में से बहुमत लोगों के आंसर जो है वो 15 से ऊपर है, मतलब कि 16-17 आउट ऑफ 18, कुछ लोगों के 15 भी हैं और कुछ लोग 18 में 18 भी हैं, बहुत बढ़िया। जिन लोगों के 18 आउट, मतलब अगर सबके आपके मतलब 15 से ऊपर स्कोर है तो ठीक है, अभी के वर्तमान समय के हिसाब से ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन, दैट मींस क्वेश्चन नंबर 19-23 आपके स्क्रीन पे आ चुका है। इसमें हमारे पास इसको बोलते हैं न्यूमेरिक सीरीज, जहां पे हमारे पास तीन तीन संख्या के तीन तीन अंकों की पांच संख्याएं बनाई गई हैं इस तरीके से। तो आपको इनमें से अब सवाल का थोड़ा सा लहजा, सवाल के पूछने का तरीका आपको बदलाव दिखाई देगा, उस बदलाव के तहत भी आपको परफॉर्म करना है और आपको आंसर निकाल के लाना है करेक्ट आंसर क्या है। सवाल नंबर 19 कहता है इफ वी अरेंज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब यहां पर ना एक कंफ्यूजन होती है बच्चों के मन में नंबर्स को लेके और डिजिट्स को लेके। तो जब डिजिट बोलेगा तो आप इंडिविजुअल इसकी वन की बात कर रहे होंगे या फिर फोर की बात, इस फोर को बोलेंगे हम डिजिट या सिक्स को बोलेंगे डिजिट। नंबर जब बोलेंगे तो हम 146 को बोलते हैं नंबर, ये कंफ्यूजन मत रखिएगा दिमाग में। आगे बढ़ते हैं। सवाल में कहा गया इफ वी अरेंज ऑल द नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, नंबर्स को अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं लेफ्ट टू राइट, एंड द पोजिशन ऑफ हाउ मेनी नंबर्स आर रिमेन अनचेंज, कितने नंबर ऐसे पोजिशन अनचेंज रहेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब घटते क्रम में रखेंगे हम इसको, इन नंबर्स को हम घटते क्रम में करने वाले हैं। तभी सबसे बड़ा नंबर कौन है, 7, तो 7 यहाँ आ जाएगा, उसके बाद हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 6 4 आ जाएगा, ये चेंज हमारे पास अनचेंज रहेगा और दोनों हमारे पास जो रहेगा चेंज हो जाएगा। एक नंबर ऐसा है जो हमारे पास अनचेंज रहने वाला है, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर 1। आप सोचो इनमें से बहुत सारे मासूम बच्चे ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ क्या बोला है, ठीक है हर इसमें हिंदी पढ़ लेते। यदि हम सभी संख्याओं को बाएं से दाएं अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, मतलब कि हम घटते क्रम में रखते हैं, फिर बताओ कितने संख्या ऐसे हैं जो अपने स्थान पर ही रहेंगे, कितने संख्या ऐसे हैं इसके स्थान चेंज नहीं होंगे। तो बच्चे ऐसे करेंगे हाँ ठीक है, तो यहाँ पर हो गया 7 7 और यहाँ पर 1 है, फिर हमारे पास हो जाएगा 6 6 3, फिर हमारे पास होगा 6 4 8, फिर हमारे पास होगा ऐसे। अरे क्यों थक रहे हो भाई, ये क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मतलब कोई मतलब है इस चीज का, कोई वही सीधा स्क्रीन पे वहां पे सिस्टम आपके पास रहेगा, जब प्रैक्टिस भी करेंगे तो भी आप जब मॉक लगा रहे होंगे तो भी आप
एकदम कॉन्सेंट्रेशन से, आपके नोटबुक आपके रफ सीट में क्या होना चाहिए डायरेक्टली ऐसा लिखेंगे आप। आप सिर्फ इंडिकेट करेंगे अपने आपको कि सेवन वाला ठीक है सबसे पहले रहेगा, फिर अपने पास सिक्स रहेगा सेकंड नंबर पे, सिक्स सिक्स वाला रहेगा चलो हटाओ, फिर सिक्स फोर वाला, अच्छा थर्ड नंबर पे सिक्स फोर वाला है। अब बताओ इस पे इसको लिखने का थ्री वन ऐसे लिखने का कोई मतलब है क्या, या वन फोर ऐसे लिखने का मतलब है क्या? इसको लिख रहे हो मतलब तुम पाप कर रहे हो, अरे पापी इंसान, ये तो पहले दूसरे नंबर पे है, इसको तो उठा के उधर लेके जाना पड़ रहा है, मतलब खत्म है, वो तो अनचेंज रहेगा ही रहेगा, मतलब वो तो अनचेंज, मतलब उसको वो तो चेंज हो ही रहा है, तो अनचेंज तो सिर्फ यही एक हुआ ना, बात खत्म है, वन इज द करेक्ट आंसर। ये स्मार्ट अप्रोच चलना चाहिए दिमाग में, ये स्मार्ट अप्रोच, ये चीजें आपके जहन में आनी चाहिए, तभी आप के सामने थोड़ा सा ट्विस्टेड भी सवाल फेंका जाएगा तो आप उसे पकड़ लोगे, अच्छा अच्छा तुमको ऐसे करना है सॉल्व, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 19 आपके हो गया है, 19 नंबर के बाद 20 नंबर आपके पास स्क्रीन पे आ चुका है, ट्राई आउट। शिवम कह रहे हैं सर, सर मेरे साथ ऐसा ही होता है तो बस उसी को बदलने की कोशिश तो जारी है यहां पर। ये जो आपके न्यूमेरिक सीरीज होते हैं या फिर वर्ड सीरीज होते हैं, ऐसे वाले सवालों में इंटरचेंज का खेल बहुत ज्यादा होता है, इंटरचेंज वाला जो फ्रेम जो क्वेश्चन है बहुत पूछा जाता है। इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकेंड डिजिट इन ईच ऑफ द नंबर, अगर हम पहले और सेकेंड को इंटरचेंज करते हैं, हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम इवन, ये बताइए कि इवन की पुष्टि करते कौन है, क्या पहला दूसरा करता है क्या, नहीं करता है, मतलब हम डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं क्या ऑप्शन नंबर सेकंड, सीधा मार्क कर सकते हैं क्यों, तो इसने क्या बोला, इफ वी इंटरचेंज फर्स्ट एंड सेकंड डिजिट ऑफ ईच नंबर देन हाउ मेनी नंबर्स विल बिकम इवन। अरे पापी इंसान, सवाल पूछने वाले को बोल रहा हूं, मतलब अपने आप को बोल रहा हूं, ये बताओ तुम पहले और दूसरे को इंटरचेंज करा के बोल रहे हो पता करो इवन नंबर कितना है, अरे कहां थे तुम, यहां थे, मैं तुम्हें आगरे भी ढूंढ रहा था अरे भाई तो तुम थर्ड में कोई बदलाव कर ही नहीं रहे हो। अब इस सवाल में भी अगर कोई बच्चा रिएक्ट करने लगे, अच्छा ठीक है पहला और दूसरा इंटरचेंज करना, ठीक है वन फोर का हो जाएगा फोर वन सिक्स, अगर ऐसा कोई रिएक्ट करने लगे तो उसको क्या करना चाहिए आप बताइए, मतलब उसको क्या करना चाहिए, समझ रहे हो ना, मतलब ये आलम है। तो ऐसे बच्चे भी करने लगते हैं, उसने बोला सवाल ने जो बोला तो करना पड़ेगा ना भाई, तभी तो आंसर आएगा, वाह नहीं नहीं मतलब वाह, मतलब इस टाइप से उनको, मतलब इस टाइप की सलामी मिलनी चाहिए ऐसी वाली तो ये अपने अपने अप्रोच को चेंज करने की आवश्यकता है। सवाल नंबर 21 आपके स्क्रीन पे है, ठीक है आओ सवाल की बात देखते हैं। What is the sum of third highest number and the second lowest number? Third highest, that means I think third highest तो यही होने वाला है, और second lowest number that means कि 314, तो 8 4 12 confirm है कि ये दोनों तो नहीं होने वाला है, 6 3 9 है यहाँ पर और 5 और that means 6, that means कि it will be 962, option number 4 is the correct answer, बात खत्म। अब एडिशन भी वहाँ बैठ के लिख रहे हैं, 648 314 कितना होगा भैया, 2 हो गया, ठीक है यहाँ पर 4 1 5 6 हो गया, 9 10, ये क्या कर रहे हो भैया, मास्टर लोग एक से एक आपको गणित सिखा रहे हैं कि स्क्वायर आपको ऐसे ऐसे कैसे कर देना है, किसी तीन तीन डिजिट के नंबर्स को गुना कैसे कर देना है आँखों से भस्म करके, और आप यहाँ पर जोड़ने का काम ऐसे कर रहे हो, बाहर निकलो इस चीज़ों से। हाँ आगे बढ़ो, सवाल नंबर आपका 22 आपके स्क्रीन पे है, हाँ यार गणित के मास्टर परेशान है बच्चों को सिखाने में कि भैया आंखों से कैसे गुणा कर लेना है, 10-10 संख्याओं के गुणे आपस में सिखा रहे हैं और यहाँ पे आप जो है 3-3 संख्याओं के जोड़ नहीं कर पा रहे हैं खुद से। सवाल नंबर 22 कह रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द थर्ड डिजिट ऑफ सेकंड हाईएस्ट नंबर, जब भी प्रोडक्ट सम ऐसे कुछ सवाल पूछे जाए आपसे तो आपको अलर्ट हो जाना है कि दे विल मेक यू आइडेंटिफाई टू थिंग्स, आपको दो चीजों को आइडेंटिफाई करने को कहेंगे बोलो। सो स्मार्ट अप्रोच क्या है कि व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ थर्ड डिजिट ऑफ द सेकंड हाईएस्ट नंबर, सेकंड हाईएस्ट नंबर यही है आपका, उसका थर्ड डिजिट हमारे पास 3 है, उसका प्रोडक्ट और किसका, तो सेकंड डिजिट ऑफ सेकंड लोवेस्ट नंबर दैट मींस 1, 3 * 1 = 3, ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, बिकॉज 3 ही मिलने वाला अपने को वहां पर, समझ रहे हो, तो पैनी नजर आराम से आंसर निकाल के देगा आपको, ठीक है। सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पे है, ट्राई आउट टू आंसर द क्वेश्चन जल्दी से। ठीक है
सवाल नंबर 23 आपके स्क्रीन पे कह रहा है कि इफ इंटरचेंज द फर्स्ट एंड थर्ड डिजिट ऑफ ईच ऑफ द नंबर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर विल बिकम सेकंड हाईएस्ट. सेकंड हाईएस्ट कौन हो जाएगा फिर हम बताइए. सेकंड ये हमारे पास सबसे लोवेस्ट हो जाएगा. ये हमारे पास सेकंड लोवेस्ट हो जाएगा. उसने बोला सेकंड हाईएस्ट 8 है ये 6 है. दैट मींस ये हमारे पास सेकंड हाईएस्ट हो जाएगा बिकॉज पहला और तीसरा इंटरचेंज करने की बात कर रहे हैं वो लोग. तो 146 दैट मींस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. समझ रहे हैं बात को कैसे किया हम लोगों ने. बिकॉज उसने बोला अगर हम पहला और तीसरे को इंटरचेंज करें तो तीसरा नंबर हमारे पास यहां आ जाएगा. तीसरा यहां, तीसरा यहां, तीसरा यहां. तो जो अब किसी भी संख्या का जो वैल्यू उसके लेवल उसका औकात बताता है वो कौन बताता है. अगर तीन संख्या तीन डिजिट का अगर कोई नंबर है तो पहला संख्या बताने वाला है कितना बड़ा नंबर है, कितना वजन रखता है अपने अपने पास वो. तो ऑफकोर्स हमारे पास थर्ड डिजिट जो है वो जा रहा है पहले स्थान पर. हम डायरेक्टली किसको देखेंगे, थर्ड डिजिट को देखेंगे. कोई इंटरचेंज करने का मतलब बनता नहीं इस सवाल में. अपने आपको इस लेवल पर लेके चलना है. सो आई होप आप लोगों को क्लास में अच्छा लगा होगा, पढ़ के समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमारा काम यही है कि आपके रास्ते को आसान बना सकें. मतलब ये सवाल बहुत तूफानी सवाल नहीं है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कुछ बहुत भयंकर कुछ नहीं कर रहे अपन इस सवाल में. हम आपको सिर्फ इतना समझा रहे हैं कि देखो इन सवालों को. और लेकिन हाँ ये भी समझना कि सिर्फ यही रीजनिंग नहीं है. आज किसी हमने किसी बैच में आई थिंक चैंपियन 1.0 बैच में किसी बच्चे ने कमेंट किया, बड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट. मैं कुछ ही बच्चे समझा रहा था कि देखो सर मेरा ये टॉपिक हो गया, अभी नंबर इतने आ रहे हैं, ऐसे इस नंबर को कैसे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा हो रही थी. किसी बच्चे ने कमेंट किया कि सर ऐसा भी होता है बच्चों को लगता है, बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि उन्होंने बस मिसलेनियस वाला चैप्टर अच्छा कर लिया तो उनको लगता है रीजनिंग आ गई. और ये बड़ा अच्छा लगा मुझे कमेंट. तो वही बात मैं यहाँ भी बताऊंगा आपको कि इन सब चैप्टर में तो ऐसा करना है कि इन सबको जल्दी से इन सब चैप्टर को नंबर उसको अर्न करके बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके कि भैया तुम्हारा नंबर तो मेरा है ही और बिल्कुल सीमित समय में है. तुम्हारा लोड हम एग्जाम के टाइम में लेने वाला नहीं है. मतलब इन सब चैप्टर की गिनती ऐसी होनी चाहिए. समझ लो इसको, जिसका जितना इंपॉर्टेंस है उसको उतना ही इंपॉर्टेंस दो ना यार, उसको सर पे क्यों चढ़ा रहे हो. ठीक है चलो. सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन टुडेज सेशन. बाकी आज 30 तारीख है और कल ऑफकोर्स 31 होगा. तीन महीने समाप्त हो जाएंगे आपके इस साल के भी. इस पर कुछ जरूर हम बात करने आएंगे कल 6:30 बजे का आपको बेहतरीन सेशन नजर आएगा. और आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा मैं कल की 6:30 का कल का सेशन जरूर देखिएगा. कुछ बेहतरीन चीज़ें होंगी उसकी. इवेंट आपको जल्द ही कल दोपहर तक नजर आ जाएगी बनी हुई. और अगर आपको इवेंट नज़र आ जाएगा तो उसका उसमें कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जिसमें आपको आपका ही पार्टिसिपेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा. बाकी ये बैच हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट कर रहे हैं और इस बैच को मैं फाउंडेशन बैच की तरह कहूँगा कि स्टूडेंट को ट्रीट करें. अगला फाउंडेशन मिड ऑफ अप्रैल या फिर एंड ऑफ अप्रैल नज़र आएगा आपको. तो इस बैच को आप एक मैश्योर एक अच्छा बैच मान सकते हैं क्योंकि RBI गेट बी की बैच है और इसमें आपको वो सारे फैकल्टीज नज़र आ रहे हैं. मतलब फेज़ 1 और फेज़ 2 दोनों के फैकल्टी नज़र आ रहे हैं. लेकिन आपको जिन बच्चों को फाउंडेशन दैट मीन्स जो शुरुआत करना चाह रहे हैं वो इस बैच के साथ शुरुआत कर सकते हैं बिकॉज हम इसमें फाउंडेशन की तरह ही पढ़ा रहे होंगे. मतलब 0 से लेकर टॉप क्लास पढ़ा रहे होंगे उस तरीके से. सो इस बैच को आप एनरोल कर सकते हैं मेरे रेफरल कोड दैट मीन्स Y188 के साथ. अभी आप अगर एनरोल करते हैं तो आपको डबल वैलिडिटी मिल जाएगी बैच पे भी. और बाकी बैंक महापैक प्लस का पार्ट होगा. ये बैंक महापैक का पार्ट नहीं होगा बिकॉज RBI के बैचेज या फिर जितने भी बैचेज होते हैं वो सब इसके अंदर होते हैं. इस ये जो बैंक महापैक जो है इसका पार्ट है कह सकते हैं आप. और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें होती हैं जैसे कि RBI का बैच, स्पेशलिस्ट ऑफिसर का बैच, नाबार्ड का बैच, सेबी का बैच जो इसमें नहीं होती हैं. बाकी बैंक महापैक तो है ही. सो इन दोनों में भी एनरोल या इनमें से कोई भी एक एनरोल करना चाहते हैं आप कर सकते हैं. उसके लिए भी मेरा रेफरल कोड होगा Y188. तो बाकी एनरोलमेंट तो खैर कर लेते हैं आप लोग. लेकिन मैटर ये है कि क्या आप लास्ट तक पढ़ाई कर पाते हैं इस पर ध्यान दीजिएगा बिकॉज टू बी कंसिस्टेंट इज द टफेस्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड, नथिंग एल्स. सो आज की बात यहीं रखते हैं. थैंक यू सो मच. जॉर्डन साहब आ चुके हैं आप देख पा रहे होंगे. सो डबल वेल्टी और महापैक इन लाइव क्लासेस इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप. रेफरल कोड है Y188. बाय बाय, टेक केयर. आज हम बहुत खदे, एक चीज रुक जाइए पहले. अच्छा एक चीज और हम बता रहे हैं, मतलब ये वाला चीज में. हाँ हाँ बताइए ना. हाँ एक अभी बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज डिस्कस करने चल रहे हैं, उसको सब लोग देख लीजिएगा. मतलब जो लोग ऐसे छात्र जो मतलब मैथ्स क्लास में नहीं रहते हैं होंगे कुछ छिटपुट, तो जो नहीं रहते उन सबको भी एक सलाह रहेगी कि एक चीज अभी स्टार्टिंग में तकरीबन 10 मिनट में हम डिस्कस करेंगे. जो आपको DI सॉल्व करते टाइम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि अप्रोक्सीमेट परसेंटेज जब पूछा जाता है ना और डिनोमिनेटर में बड़ी सी नंबर रहती है 231, मान लो इसे आ गया कि कोई भी रैंडम नंबर 27535 डिवाइड बाई 3545 मल्टीप्लाइड बाई 100 और अप्रोक्सीमेट परसेंटेज लिखना है 160 165 164. अब लगाओ अंदाजा, तो उसमें क्या होता है कि आधे से ज्यादा बच्चे धराशायी हो जाते हैं. तो वो समस्या बहुत दिन से आप लोगों की बनी थी, उसको अभी हम सॉल्व कराते हैं कैसे, उसको जल्दी कैसे कैलकुलेट करेंगे. एग्जैक्टली अभी कुछ पहले मैं समझा रहा था आप लोगों को ना
कि मैथ्स के टीचर लोग एकदम परेशान रहते हैं कैलकुलेशन सिखाने में आप लोग को, और आप लोग जो ऐसे करते हैं एनीवेज तो सर ये वाला जो हम लोग हम बड़ा चीज़ है, और हमने बता रखा है इनको मैंने कि भाई हम लोग पहुँच रहे हैं दिल्ली लक्ष्मी नगर ब्रांच पहुँच रहे हैं हम लोग, और संडे को हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं। जो भी बच्चे दिल्ली NCR में रहते हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि हम लोग आपसे मिलना चाहते हैं, तो प्लीज़ मिलें और बातें की जाएंगी कुछ आपके। अपन सब लोग चल रहे हैं, अमित चल रहे हैं अभी मतलब चल रहे हैं, यस। सो आपको सभी लोग नजर आएंगे वहाँ पे। सो साइनिंग ऑफ, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास ऑफ कोर्स मैथ्स की है, मतलब जॉर्डन सर की है। बाय बाय।